अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मियां तलहा नेटवर्क एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, फाइनली जो है रेडमी 99 पावर यूज़र के लिए MIUI 12.5 इनहेंस्ड एडिशन अपडेट रोल आउट कर दी गई है। वेट ओवर, जो यूज़र बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि रेडमी 90 पे MIUI 12.5 कब आएगा, इस चीज़ का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। फाइनली जो है ये अपडेट रिलीज़ कर दी गई है। पहले बीटा टेस्टर के लिए रिलीज़ की गई थी, लेकिन अब जो है ये OTA के जरिए भी रिलीज़ कर दी गई है और डिवाइसेस को आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगी। और जिन डिवाइसेस को अभी तक नहीं मिली, तो मैं आज की वीडियो में बता दूंगा कि आप किस तरह खुद मैनुअली तौर पर इसे फ्लैश कर सकते हैं और किस तरह 12.5 अपने मोबाइल पे एंड्रॉयड 11 और 12.5 फ्लैश मैनुअली तौर पर कर सकते हैं। तो वीडियो को सारा देखिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें हमारा शोमी का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल होऊंगा हेल्प के लिए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। रेडमी 99 पावर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है MIUI 12.5 इनहेंस्ड ग्लोबल इनहेंस्ड एंड्रॉयड 11 डाउनलोड। तो रेडमी 90 के लिए जो है अब ग्लोबल तौर पर जो है MIUI 12.5 इनहेंस्ड रिलीज़ जो OTA के जरिए भी आ गई है, जिसका वर्जन होगा 12.5.3, जो आप मैनुअली तौर पर भी फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप 12.0.17 चला रहे हैं, तो आपको पहले 12.5.2 करना होगा, उसके बाद फिर आपको 12.5.3 की अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। MIUI 12.5 में क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में अगर बात करें, तो मैं पहले भी इस पर डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दहाने के लिए मैं फिर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो MIUI 12.5 में इनहेंस रिलीज़ में जो कुछ चेंजेस की हैं वो बैक एंड सिस्टम पे की गई हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, तो इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है और इसमें कुछ जो है इफेक्ट्स वगैरह, डायनेमिक इफेक्ट्स, एनिमेशन वगैरह, कुछ जेस्चर वगैरह में इंप्रूवमेंट की गई है ताकि आपको टच रिस्पॉन्स अच्छा मिले, और कुछ रैम मैनेजमेंट को अच्छा किया गया है ताकि आपकी रैम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहे और जो एप्लीकेशन है वो कम रैम कंज्यूम करें, और कुछ बैटरी पर भी काम किया गया है ताकि मोबाइल अच्छे तरीके से फास्ट चार्ज हो और आपको अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड किए और करे। और सबसे बड़ी चेंज जो रेडमी 90 के लिए की गई है वो मेमोरी एक्सपेंशन की होगी। MIUI 12.5 इनहेंस्ड रिलीज में सबसे अच्छी चेंज मेमोरी एक्सपेंशन, मतलब वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम का मकसद ये है कि आपके मोबाइल में अगर आप 4GB 64GB वेरियंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 1GB एक्स्ट्रा रैम का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप 6GB 128GB यूज़ कर रहे हैं या 4GB 128GB यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 2GB एक्स्ट्रा रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको वर्चुअल रैम कहते हैं। वो MIUI 12.5 इनहेंस्ड रिलीज में फीचर डाला गया है। और आपको एंड्रॉयड 11 अपडेट मिलेगी, क्योंकि अभी तो आप तो मोबाइल एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, तो 12.5 इनहेंस्ड रिलीज के साथ आपको एंड्रॉयड 11 की भी अपडेट मिल जाएगी। और बाकी बहुत ज़्यादा इसमें जो है फिक्सिंग वगैरह की गई है कि काफ़ी सारा चीज़ें जो है जिसमें मसले थे तो इशू रिजोल्व कर दिए गए हैं। और आई होप मैं भी अभी ट्राई करूँगा 12.5, तो मुझे लग रहा है कि वाईफाई का इशू भी इंशाल्लाह फिक्स कर दिया गया होगा इसमें, और सिग्नल इश्यूज भी काफ़ी हद तक फिक्स होंगे 12.5 इनहेंस्ड रिलीज में। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का बहुत तरीका आसान है, पहले तो आप अपनी सेटिंग्स में जाएं, अबाउट फोन में जाएं, तो उधर जाके चेक करें, हो सकता है कि आपको अपडेट मिल गई हो। तो अगर आपको अपडेट नहीं मिले, तो आप अगर मैनुअल तौर पर फ्लैश करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो दोनों ये एक वेबसाइट ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो इधर आप जब ओपन करेंगे, तो आपको इधर डाउनलोड, इधर आपको ये नज़र आ रहा होगा डाउनलोड शो मी MIUI 12.5 इनहेंस्ड फॉर रेडमी 90। इस पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आगे एक पेज आ जाएगा आपके सामने इस तरह का, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर से अपना मॉडल ढूंढना है रेडमी 90। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये इधर नज़र आएगा रेडमी 90। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये MIUI 12.5.2 है, क्योंकि ये भी पहली रिलीज़ थी, तो आपको पहले ये करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको 12.5.3 की अपडेट मिल जाएगी। तो अगर तो आपको अगर अपडेट चेक अपडेट पे जाकर खुद ही OTA अपडेट मिल जाती है, तो आपको वो डायरेक्ट 12.5.3 की मिलेगी, लेकिन आप मैनुअली तौर पर फ्लैश करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपने जस्ट क्या करना है, आपने इधर से रेडमी 90 के लिए ये रिकवरी पे लिंक पे डाउनलोड करना है, रिकवरी पे क्लिक करना है, तो आपको आगे डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो मैं आपको इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, showmeroam.com। तो इधर से आप चेक कर सकते हैं कि Redmi 90 4G, Note 9 4G चाइना में नाम है, 90 ग्लोबल है, और 9 पावर जो है वो इंडिया में नाम रखा गया है इस मोबाइल का। एक ही मोबाइल है,
अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है। तो इधर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मी यू आई 12.5.3.0 आर जे क्यू एम आई एक्स एम, ये फास्ट रोम भी अब आ गया है। जी हाँ, अगर आपका मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक है और आप फास्ट बूट का मेथड जानते हैं कि कैसे आप फास्ट बूट से फ्लैशिंग कर सकते हैं, तो आप ये फाइल डाउनलोड करें और फास्ट बूट में जाकर इसको फ्लैश कर दें, इजीली आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, फास्ट बूट से आप कैसे रोम फ्लैश कर सकते हैं आपको नहीं पता, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेक इन्फोमिनिया चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उनकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं, उनके चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि आप अपना बूट लोडर अनलॉक करके कैसे फास्ट बूट के ज़रिए फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो उनके चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, उनकी वीडियोस देखें, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, तो आप खुद भी मतलब जाके देखें और चैनल को लाजमी उनके सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, इधर आपको फास्ट बुक का लिंक दिया गया है, फास्ट बुक का लिंक इधर से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आगे डाउनलोड का पेज आएगा, आप इससे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप फास्ट बुक फ्लैशिंग का पंगा नहीं लेना चाहते, रिकवरी के जरिए फ्लैश करना चाहते हैं इजीली, तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे इधर नज़र आएगा रिकवरी रोम लिंक, तो ये रिकवरी रोम लिंक के जरिए आपको इधर नज़र आ रहा है कि 12.5.2.0, ये अभी 12.5.2.0 रिकवरी के लिए आई है, 12.5.3 नहीं आई। तो आपने क्या करना है, इधर से जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड करने के बाद ऐड क्लोज करेंगे, आगे आपको इधर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट डाउनलोड पे करना है, शो मी सर्वर पे चले जाएंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अब इसको फ्लैश कैसे करना है, कुछ डिवाइसेज पे जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ, कुछ डिवाइसेज पे वर्क कर जाता है ये मेथड और कुछ डिवाइसेज पे ये वर्क नहीं करता। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आपने ट्राई कर लेना, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर मेथड वर्क कर जाएगा तो आपका मोबाइल 12.5 पर चला जाएगा, अगर फ्लैशिंग फेल हो गई तो आपका मोबाइल को किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, आपका मोबाइल का डाटा भी नहीं लॉस होगा और मोबाइल आपका उसी हालत में उसी अपडेट पे रहेगा अगर कोई एरर भी आता है। तो आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं बेफिक्र होकर। आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है, चेक अपडेट पे जाना है, चेक अपडेट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, चूज़ अपडेट पैकेज, चूज़ अपडेट पैकेज को क्लिक करेंगे तो अगर ये नहीं आता तो आपको चूज़ अपडेट पैकेज अपनी सेटिंग में शो नहीं हो रहा, तो आपने 12 के लोगों को 5-6 दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, चूज़ अपडेट पैकेज पे जाना है, चूज़ अपडेट पैकेज पे जाने के बाद आपने उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने वो फाइल डाउनलोड करके रखी है 12.5 रिकवरी वाली या OTA वाली। आपने शोमी का मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उधर मैं जैसे ही OTA का लिंक भी आएगा रिकवरी के साथ OTA का लिंक, दोनों लिंक आएंगे तो मैं उस शोमी के फेसबुक ग्रुप या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो लिंक पोस्ट कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट उधर से OTA लिंक से फाइल उठा सकते हैं और इस तरह फ्लैश कर सकते हैं। तो अभी तो ये वेबसाइट का लिंक डाला है, बाकी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा ताकि आप इजीली डाउनलोड कर सकें। तो आपने क्या करना है, उस फोल्डर को ढूंढना है जिधर आपने फाइल डाउनलोड करके रखी है। तो मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने अपने डाउनलोड फोल्डर में आपको ये नज़र आ रहा होगा MIUI लाइम ग्लोबल, ठीक है, RJQIDXM, क्योंकि मेरा इंडोनेशियन वर्जन है तो मैंने किया है। आपने इस तरह फाइल आपके सामने आ जाएगी 12.5 की, आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है, ओके करने के बाद यह गेटिंग इन्फो करेगा, गेटिंग इन्फो के बाद डीक्रिप्टिंग स्टार्ट होगी और आपसे ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मांगेगा। आपने जस्ट रीस्टार्ट और डाउनलोड रीस्टार्ट फ्लैश पे क्लिक करना है, आपका मोबाइल रीस्टार्ट होगा और रिकवरी में जाकर खुद फ्लैश हो जाएगा और दोबारा मोबाइल टर्न ऑन होगा तो आपका मोबाइल 12.5 एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो चुका होगा। ये मेथड अगर रिकवरी फाइल आप इस तरह फ्लैश करेंगे तो ये मेथड हर डिवाइस पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली ये मेथड वर्क कर जाता है। और अगर आप यही मेथड OTA के लिंक से डाउनलोड की फाइल पर करेंगे तो ये मेथड श्योरली हर डिवाइस पर वर्क करेगा। रिकवरी फाइल पर यह मेथड कभी कभी वर्क करता है, लेकिन OTA फाइल पर यह मेथड पक्का वर्क करता है। तो आप जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा हो सकता है मुझे OTA का लिंक मिल जाए, तो आपने मेरा फेसबुक का ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उधर मैं कोशिश करूंगा OTA का लिंक प्रोवाइड कर दूं ताकि आप रिकवरी के बजाय OTA वाली फाइल डाउनलोड करें और इस मेथड से फ्लैश करें और आपका 100% ये मेथड वर्क करे और आपका मोबाइल 12.5 और एंड्रॉयड 11 पे अपडेट हो जाए। तो चेंजेस आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपडेट है, काफ़ी स्मूथ अपडेट होगी और इजीली आप उस पर गेमिंग भी कर सकते हो, हर किस्म हर तरह की चीज़ आप उस पर चला सकते हैं, आपका मोबाइल बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगा। तो इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और OTA का लिंक जैसे ही आता है तो मैं वीडियो अपलोड होते सारी वो भी पे कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, अगर OTA का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूं तो आपने रिकवरी की जगह OTA वाली फाइल डाउनलोड करनी है तो ये मेथड से फ्लैश कर लेनी है। अगर नहीं OTA का लिंक आता तो आपने रिकवरी वाली फाइल डाउनलोड करके इस मेथड से फ्लैश करने की कोशिश करनी है। अगर मेरे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है क्योंकि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और आती रहेंगी आपके लिए। तो
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।